please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने 19 दिनों से जारी अपने अनिश्चितकालीन अनशन को आज खत्म कर दिया। पाटीदार आरक्षण और किसानों की कर्ज माफी की मांग को लेकर हार्दिक पटेल पिछले 19 दिन से भूख हड़ताल पर थे। अनशन करने के बाद हार्दिक आज अभी अपने अनशन तोड़ रहे हैं। जो पाटीदार जो 6 धार्मिक संस्था है उसके जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मंच पर है और जिस तरीके का प्लानिंग किया गया था कि उनको पानी पिला के नारियल पानी और नींबू पानी पिला के उनके अनशन तोड़ाए जाए और बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग जो पानी के प्याले हैं उसके अंदर जो ग्लास है उसमें पानी है, नींबू पानी है और नारियल पानी है। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हार्दिक को आज 19 दिन जो किसानों की मांग और आरक्षण का जो मुद्दा था उसको लेकर उसने मांगे रखी थी, आज 19 दिन के बाद अनशन तोड़े जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने अब तक हार्दिक की बातें नहीं मानी है, लेकिन इस मंच से भरोसा दिया गया है कि पूरे पाटीदार समाज की ओर से जो 6 धार्मिक बड़ी संस्थाएं हैं उनकी ओर से सरकार के साथ लगातार बातचीत की कोशिश होगी और जो भी मुद्दे हैं और मुद्दों का हल ढूंढने की कोशिश इन संस्थाओं की ओर से किया जाएगा।